नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे चैनल बबलू पांडे एक्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ गोरखपुर, और गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ से कि बहुत दूर दूर दराज से लोग आते हैं और गोरखनाथ बाबा का दर्शन करते हैं और अपने मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों ये समय अभी नवरात्र का चल रहा है, और इस समय आदित्यनाथ योगी यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो 9 दिन के व्रत रहते हैं और इस समय इस मंदिर में हैं, यानी कि गोरखनाथ मंदिर में आए हुए हैं दर्शन करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए। दोस्तों मैं कुछ ही देर में आप लोगों को अंदर ले चलूँगा और मंदिर के अंदर के पूरे प्रांगणों को एक एक करके दिखाऊंगा, और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को देखकर, और यानी कि गोरखनाथ बाबा से भी आप लोगों को दर्शन कराऊंगा अंदर। बहुत ही अच्छा दृश्य है। गोरखनाथ मंदिर के ये अगला हिस्सा है जो कि देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे करके मैं आगे जाऊंगा और मंदिर में भी जाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों फाइनली हम धीरे धीरे करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि मंदिर का अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं क्योंकि नवरात्र का दिन चल रहा है, और योगी जी भी आए हुए हैं, आदित्यनाथ योगी जी जो कि 9 दिन का व्रत रहते हैं। दोस्तों देख आप लोग देख सकते हैं, अंदर में प्रवेश कर चुका हूँ और देख सकते हैं गेट पर कितना ज़्यादा सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, और मंदिर के प्रोटेक्शन में और आदित्यनाथ योगी जी के प्रोटेक्शन में। दोस्तों मैं धीरे धीरे करके मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है क्योंकि अभी नवरात्र का समय चल रहा है, और 9 दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। तो ये बाइक स्टैंड है, देख सकते हैं बाइक कितना लगा हुआ है, और धीरे धीरे करके मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। फाइनली दोस्त मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और कुछ ही देर में गोरखनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग अंदर जाएंगे, और वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं क्योंकि आज आदित्यनाथ योगी जी यहाँ पे मंदिर में आए हुए हैं और वो 9 दिन का व्रत रखते हैं नवरात्र के दिन में। तो दोस्तों बने रहे मेरी वीडियो के साथ, और मैं धीरे धीरे करके मैं एक एक यानी कि सारे देवताओं को जो भी है उनका दर्शन कराऊंगा और गोरखनाथ बाबा का भी दर्शन कराऊंगा, तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ और देखते रहिए। दोस्तों जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये बाहर से यानी कि देखते हैं ये मेन गेट है, और यहीं से हम अभी एंट्री करेंगे, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ सुरक्षाकर्मी भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सामान भी चेकअप हो रहा है, तो हम लोग भी अपना सामान चेकअप करवाएंगे, तो बने रहे वीडियो के साथ। दोस्तों यहाँ से हम लोग का सारा सामान चेकअप हो गया है, और कुछ ही देर में हम देख सकते हैं ये मंदिर का कुछ हिस्सा है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये मंदिर का अंदर का हिस्सा है, मैं वीडियो के माध्यम से सारा एक एक करके दिखा रहा हूँ। दोस्त ये देख सकते हैं आप लोग, गोरखनाथ मंदिर का अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ के कुछ अद्भुत नज़ारे दिखा रहे हैं हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये देखिए आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये पार्किंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मंदिर का कुछ आगे का हिस्सा है जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, और यहाँ के नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, और ख़ास करके यहाँ पे नेपाल के भी लोग आते हैं क्योंकि नेपाल भारत से सटा हुआ एक देश है, और यहाँ से भी देख रहे हैं हम कई लोगों को देखें कि जो कि नेपाल के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और गोरखनाथ बाबा का दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हमारे पीछे गोरखनाथ बाबा का मंदिर है, और कुछ ही देर में हम लोग मंदिर के अंदर भी प्रवेश करेंगे, लेकिन इन सुंदर वादियों का हम लोग मज़ा ले रहे हैं और यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और आप यहाँ पे मतलब आके बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप को काफ़ी आनंददायक फीलिंग हो रही है दोस्तों यहाँ। और यहाँ से रहा कुछ अंदर का गेट, और देख सकते हैं आप यहाँ का कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे, और फ्लावर्स भी देख सकते हैं आप लोग, भगवान लगाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ की सारी नज़ारा मिल रहा है, और मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ से पानी और वाटर पार्क की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, और मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं श्री हनुमते नमः और गोरखनाथ
बाबा का यही मंदिर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो देखते रहिए, मैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे दर्शन करूँगा आप सभी लोग को भी दर्शन कराऊँगा, और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोग को यहाँ पे आके यानी कि वीडियो के माध्यम से दर्शन करके। दोस्तों हम लोग मंदिर में जा रहे हैं, सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में हम जाएंगे और यहाँ पे दर्शन करेंगे। पीछे देख सकते हैं यही मंदिर है गोरखनाथ बाबा का, और मैं धीरे धीरे करके मैं अंदर जाऊंगा और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बाबा का दर्शन कराऊंगा, तो बने रहे मेरे वीडियो। फाइनली दोस्त हम जा रहे हैं अंदर की तरफ और मैं वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ आप सभी लोगों को, और यहाँ पे मैं अंदर भी आ चुका हूँ और काफ़ी यहाँ पे शांति माहौल देखने को इस समय। दोस्त हम अंदर आए हुए हैं, अंदर की कुछ अच्छी नज़ारे दिखा रहे हैं। यहाँ पे वीडियो भी ज़्यादा बना वाला अलाउ नहीं है, तो मैं सारे चीज़ की वीडियो नहीं, और अंदर का कुछ मैं दृश्य दिखा रहा हूँ आप लोगों को चल चल के, और देखते रहिए मेरे वीडियो के साथ। धीरे धीरे दोस्तों अंदर की तरफ हम जा रहे हैं और आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ के पीछे का कुछ अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये देख सकते हैं महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पे मैं चारों तरफ का वीडियो बना के आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं अंदर जा रहा हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ है या नहीं। और मंदिर के गेट पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे मंदिर के अंदर का कुछ जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रतिमाएँ रखी हुई हैं जो कि सभी बाबाओं की है और ऋषि मुनियों की हैं। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ सारा अंदर का एक एक करके, और देख सकते हैं ये देख सकते हैं महाराणा प्रताप जी का है, राणा इंद्रसाल जी का है, गुरु गोविंद सिंह जी का है, सारा प्रतिमा यहाँ पे एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ आप सभी लोगों को। और ये अंदर से देख सकते हैं कितना जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुछ अच्छा दृश्य देखने को और काफ़ी शांतिपूर्व यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस हो रही है यहाँ पे आके। फ्रेंड्स अभी मैं अंदर आ चुका हूँ यानी कि मंदिर के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे ऋषि मुनियों की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं और जो कि पुराने पुराने यहाँ पे जो रह चुके हैं उनकी भी प्रतिमाएं हैं, और काफ़ी आनंद यहाँ पे आके महसूस हो रहा है और अच्छा लग रहा है। और यहाँ की कुछ भव्य दृश्य जो कि हम पहली बार आए हैं और यहाँ पर आके बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बहुत लोग भी आए हैं देखने पर, अभी मिल रहा है सब। कर रहे हैं और मैं भी पास ही हूँ और आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा ही रहा हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं मैं यहाँ पे घूमते हुए। फाइनली दोस्त यहाँ पे सभी देवता यानी कि सभी ऋषि मुनियों का हम लोगों ने दर्शन कर लिया, और कुछ ही देर में हम लोग निकलने वाले हैं और बाहर दूसरे मंदिर में जाएंगे, और आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से मैं दर्शन भी कराऊँगा उन सभी लोगों से। तो देखते रहिए वीडियो को और बने रहिए दोस्तों। फाइनली हम गेट से अब एग्जिट हो रहे हैं, और दोस्तों ये रहा हम लोग का निकलने का रास्ता, और निकल चुके हैं और फिर से वही हो गया यानी कि फिर से हम लोग आ चुके हैं, और धीरे धीरे करके हम वीडियो के माध्यम से। दोस्तों एक यहाँ पे मंदिर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा साधु और महात्माओं की प्रतिमा लगी हुई है, और जो कि यहाँ पे रह चुके हैं और अब यहाँ पे नहीं है, जो कि अब मैं धीरे धीरे करके वीडियो के माध्यम से आप लोग को अंदर ले जाऊंगा और वहां पे दिखाऊंगा सभी महात्माओं की प्रतिमाओं को। तो देखते रहिए मेरे वीडियो के साथ, और दोस्तों मैं एंट्री करने जा रहा हूं और आप लोगों को दिखा रहा हूं वीडियो के माध्यम से सारा एक एक करके, तो दोस्तों देखते रहिए। और ये रहा कुछ एंट्री गेट, और यहीं से हम एंट्री करते हैं, और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ बाहरी से देख सकते हैं यहाँ के कुछ माहौल, और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और साधु महात्माओं को करीब करीब यहाँ पे 250 से 300 से ज़्यादा प्रतिमाएं लगी हुई हैं।
जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं इसमें केवल यानी कि देवताओं की प्रतिमा और साधु संतों की प्रतिमा लगी हुई है और मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ आपको, तो देखते रहिए वीडियो के माध्यम से। मैं और भी देख सकते हैं ये बाहर से कुछ देखने को मिला है, यानी कि मंदिर से हम लोग एग्जिट हो गए, यानी कि बाहर निकल चुके हैं और फिर से अभी और अलग अलग जगह जाना है क्योंकि ये मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है। और दोस्तों दिखा सकते हैं अभी आदित्यनाथ जोगी जी यहाँ पे आ चुके हैं मंदिर में और दर्शन किए हैं और कुछ ही देर में निकलने वाले हैं क्योंकि वो अभी मंदिर में चले गए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है तो कोई भी अंदर जा नहीं सकता है और सुरक्षाकर्मी भी चारों तरफ फैले हुए हैं क्योंकि कोई इधर। कुछ ही देर में आदित्यनाथ जोगी जी जो कि मंदिर में पधार चुके हैं और कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, उनकी काफिला निकलने वाली है, तो यहाँ पे जोगी जी का काफिला चल दिया है। फाइनली दोस्तों हम लोग मंदिर का भ्रमण कर चुके हैं और दर्शन भी कर चुके हैं, कुछ ही देर में हम लोग जाने वाले हैं और अगर कुछ छूटा होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से और धीरे धीरे करके दिखाऊंगा। ये पीछे का कुछ अच्छे नज़ारे आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पीछे मेरी मंदिर है, देख सकते हैं ये बाबा का मंदिर है और मैं धीरे धीरे करके गौशाला भी इसमें है, मैं गौशाला की तरफ और आगे जा रहा हूँ वो मेन गेट की तरफ क्योंकि सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की गई है क्योंकि यहाँ पे आजकल नवरात्र के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और आदित्यनाथ योगी जी भी यहाँ पे आए हुए हैं और उनका काफिला भी निकल गया है यहाँ से। और एक छोटा सा तालाब है, मैं तालाब की तरफ जा रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को दिखाऊँगा। ये रहा छोटा तालाब, यानी कि छोटा नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं बत्तख जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और ये चारों तरफ का आप सब देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और इस अच्छे वादियों का मज़ा लेके। दोस्तों ये मेरे पीछे का है, देख सकते हैं मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ और चारों तरफ वीडियो के माध्यम से यहाँ पे कुछ लोग पानी में यानी कि नाव के साथ मज़े ले रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कुछ लोग हैं जो कि पानी के अंदर जा रहे हैं, यानी कि इस तालाब के अंदर जा रहे हैं और नाव के साथ स्विमिंग कोट पहन के। तो देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों आप लोग पीछे देख सकते हैं मेरे, अब मैं धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से आगे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। गोरखनाथ मंदिर के अंदर का ये कुछ दृश्य है जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मैं वीडियो के माध्यम से सारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं भीमसेन जी की प्रतिमा है जो कि सोए हुए हैं और यहाँ पे बाबा हैं और भीमसेन जी जो कि सोए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। बड़ा बहुत लंबा प्रतिमा है उनका, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और तो धीरे धीरे करके हम लोग गौशाला की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों को गौशाला का भी वीडियो के माध्यम से गौशाला को दिखाएंगे, तो देखते रहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ की गौशाला है और इसमें अंदर एंट्री करने का अनुमति नहीं है, तो हम लोग वीडियो से बाहर से ही वीडियो बना रहे हैं। और गौशाला का कुछ अंदर का हिस्सा है ये, तो बने रहे वीडियो के साथ आगे चल रहा हूँ। फाइनली दोस्त हम लोग गोरखनाथ बाबा का दर्शन कर चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोग जाने वाले हैं घर के लिए क्योंकि अब 4.5 घंटा लगातार यहाँ पर रह चुके हैं और यहाँ पर चारों तरफ का यानी कि चारों तरफ का भ्रमण कर चुके हैं। हमारे पीछे सामने देख सकते हैं ये बसा बैल बाबा का यानी कि एक प्रतिमा है जो कि काफ़ी अच्छा है देखने के लिए। और फ्रंट से हम दिखा रहे हैं कुछ मंदिर का दृश्य,
तो आप लोग वीडियो के माध्यम से ये सामने से कुछ देख रहे हैं आप लोग को, वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ सामने से, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इधर के अगल बगल का सारा एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। और ये आगे का कुछ हिस्सा है, यानी कि मंदिर के आगे का, जो कि पार्किंग से बनाया हुआ है, पार्किंग टाइप का। यहाँ पे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वाटर पार्क जैसा बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। दोस्तों हम लोग सारे जगहों का भ्रमण कर चुके हैं और घर के लिए निकल रहे हैं और मेन गेट की तरफ जा रहे हैं और देख रहे हैं हमारे रास्ते में कुछ दुकानें हैं। तो बताइएगा दोस्तों मेरे वीडियो कैसा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ और बनाऊँगा भी। जय हिंद दोस्तों, जय बाबा।